नोएडा से खबर, अतिक्रमण पर प्राधिकरण की कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 18 में बुलडोजर चलाया गया है। दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण था जिसे हटाया गया है। सावित्री मार्केट में अवैध अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट थी जिस पर बुलडोजर चला है। नोएडा के सेक्टर 18 से खबर। बड़ी कार्रवाई नोएडा के सेक्टर 18 में, जहां पर इंक्रोचमेंट था, बुलडोजर चला है। दुकानों के बाहर बड़ा इंक्रोचमेंट अतिक्रमण जिस पर कार्रवाई हुई है। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विनायक, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट जिसे हटाया गया है, प्रशासनिक अमला पहुंचा, अपडेट दे जरा, स्थिति बताएं। जी, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के पास में काफी लंबे समय से शिकायत है। आरती के सेक्टर 18 जो पॉश मार्केट है नोएडा की, वहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और जो दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण लगाया गया है उससे जो है नोएडा की जो सुंदरता है वो खराब हो रही है और साथ ही साथ एक देखने में बिल्कुल बेकार लगता है। उसकी उस शिकायत को लेकर के नोएडा प्राधिकरण का दस्ता आज सुबह पहुंचा हुआ था वहां पर और जितने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण वहां पर लगाए गए थे उन सबको हटाया गया है। साथ ही साथ जो दुकान के बाहर आधे से ज्यादा जगहों पर जो अपने रेस्टोरेंट चला रहे थे, जो अपना सिस्टम बना रखा गया था, वो सिस्टम को पूरी तरीके से बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया है और उनको दुकानदारों को जो है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगली बार अगर आप अवैध अतिक्रमण करते हुए दिखाई दे गए तो आपका दुकान का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी अवैध तरीके से अतिक्रमण होता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इसी कड़ी को लेकर के नोएडा के सेक्टर 18 में जो नोएडा प्राधिकरण का दस्ता पहुंचा हुआ था और वहीं थाना 20 की पुलिस पहुंची हुई थी, उनके रहते में ही जो जितना भी सेक्टर 18 के अंदर में जितना अवैध अतिक्रमण था उन सारी चीजों को हटाया गया है। जो वेंडर जोन के अलावा कहीं और भी जो दुकानें लग रही थी उन सब दुकानों को जो है बुलडोजर द्वारा तोड़ करके हटाया गया है। जी, इस कार्रवाई को जो वहाँ के दुकानदार हैं वो कैसे देख रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि कुछ दुकानदार द्वारा जो है शिकायतें करी गई थी नोएडा प्राधिकरण से कि ये हमारे अवैध तरीके से नहीं है, ये हम दुकान के ही पार्ट का हिस्सा है जो हमने आगे बढ़ाया गया है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने साफ तौर पर उनके अधिकारियों ने बताया कि आपकी जो दुकान की रेखा है वहीं तक आप अपना दुकान का जो सामान है वो रख सकते हैं, उसके आगे में किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर के जितना भी अवैध अतिक्रमण था उस चीज को हटाया गया है, तोड़ा गया है और नोएडा सेक्टर 18 में जो वेंडर जोन बनाए जा रखे थे उसी वेंडर जोन में ही जो स्टॉल है वो लगाए जा सकते थे और अन्यथा अगर कहीं पे भी और दूसरी जगह जो दुकानें लगी हुई थी, स्टॉलें लगी थी, उन सबको भी तोड़ करके बुलडोजर द्वारा वहां से हटवाया गया है। कब तक चलेगी ये कार्रवाई विनायक? नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो है लगातार नोएडा के अलग अलग जगहों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी को लेकर के सेक्टर 18 में आज कार्रवाई की गई है और उसके बाद में अगर नोएडा प्राधिकरण को कहीं और भी शिकायतें मिलेंगी कि कहीं पे और पे अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है तो वहां पर भी नोएडा प्राधिकरण का दस्ता पहुंचेगा और वहां से अवैध अतिक्रमण का जो है हटाया जाएगा। शुक्रिया आपका विनायक गुप्ता इस खबर पर जानकारी देने के लिए।